हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी को मैं पंचायत सहायक ओमपाल आपका स्वागत करता हूँ। अगर आपके पास में कुछ इस तरीके का कार्ड है, या आपके पास में कुछ इस तरीके का पीएम लेटर है, या आपके पास में आपका राशन कार्ड है, चाहे वो पात्र गृहस्थी राशन कार्ड हो या अंत्योदय राशन कार्ड हो, वो हर परिवार में है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप अपने पंचायत सहायक के पास जाएँ और पंचायत सहायक के पास जाने के बाद में अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लें, अपना राशन कार्ड जाकर चेक कराइए, चाहे आपका पात्र गृहस्थी राशन कार्ड हो या अंत्योदय राशन कार्ड हो। राशन कार्ड नेट पे डालने के बाद यदि आपका नाम आता है तो आपका भी आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। अगर आपके पास पीएम लेटर है तो वो लेकर के जाइए, यदि आपके पास कुछ इस तरीके का ये कार्ड है तो वो लेकर के जाइए और अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिए। आयुष्मान कार्ड बहुत ही जरूरी है, इसकी वैल्यू जब पता चलती है जब कोई गंभीर बीमारी के कारण हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, भर्ती होना पड़ता है और लाखों रुपए का बिल बनता है, तब हमें इस कार्ड की वैल्यू पता चलती है। तब हम सोचते हैं काश हमारे पास भी प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया अभियान का ये आयुष्मान भारत का आयुष्मान कार्ड होता तो हम भी इस बिल से निपटारा पाते, मुक्ति पाते। तो जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं, सभी गंभीर बीमारियों के लिए फ्री इलाज होगा इस कार्ड से। और आज घर घर जाकर पंचायत सहायक आपके आयुष्मान भारत द्वारा चलाए गए कार्ड को बना रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, अधिकारी तक आपके घर घर जा रहे हैं सिर्फ कार्ड को बनाने के लिए। एक बात आपसे विनम्र निवेदन, अगर आप गाँव के निवासी हैं, कहीं ऐसा ना हो आज अधिकारी आपके पास जा रहे हैं, कल को आपको अधिकारियों के पास चक्कर लगाने पड़े कि कहीं आपका राशन कार्ड रद्द ना हो जाए, कहीं आपको आने वाले भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। क्योंकि बहुत सख्त आदेश है कि आयुष्मान कार्ड हर व्यक्ति का बनना है, उस व्यक्ति का बनना है जिसका लिस्ट में नाम है। अब सिचुएशन ये है कि बहुत लोग बाहर हैं गांव के, जो लोग बाहर हैं उन तक अगर मेरा वीडियो पहुंच रहा है तो आपसे विनम्र निवेदन है, अपने पंचायत सहायक से कांटेक्ट करिए, अपनी ग्राम पंचायत में फोन करिए और उसका नंबर लीजिए, अपने प्रधान जी से बात करिए। हम आपको एक बात बता दें, दो ऑप्शन है जो लोग बाहर हैं उनको बनाने के लिए, यानी कि उनके आयुष्मान कार्ड अगर लिस्ट में नाम है तो उनके आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए उनके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, यदि आप गांव से बाहर हैं, आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लगा है तो ओटीपी बताने के बाद में आपका आयुष्मान कार्ड आपके ही गांव में बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। आप अपने प्रधान जी से बात करिए, पंचायत सहायक से बात करिए, वो आप उनको अपना आधार कार्ड नंबर भेजिए, वो यहाँ पर ओटीपी से आपका बना देंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड में नंबर भी रजिस्टर्ड नहीं है, आपके पास पीएम लेटर भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड आपके पास में, आप बाहर रह रहे हो, तो आप अपने पंचायत सहायक या प्रधान जी को कॉल करिए और पूछवाइए कि क्या आपका नाम लिस्ट में है। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो लिस्ट में एक HHID का नंबर या राशन कार्ड का नंबर भी दिया होगा, वो नंबर आप प्रधान या पंचायत सहायक से ले लीजिए। अगर आपके जहां आप रह रहे हो वहां पर कहीं पर भी आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं तो वहां पर अपना ये नंबर दे करके आयुष्मान कार्ड फिंगरप्रिंट से आराम से बनवा सकते हैं, यदि आप गाँव में नहीं आ रहे हैं तब की स्थिति में। यानी कि या तो आप अपना राशन कार्ड नंबर ले लीजिए और या फिर वो लिस्ट में जो नंबर आया हुआ है पंचायत सहायकों के पास में या गांव के प्रधान जी के पास जो लिस्ट है उसमें, तो वो नंबर लेकर के HHID का या राशन कार्ड का आप जहां हो वहां पर भी बनवा सकते हो। मैं सिर्फ आपके बेनिफिट की बात कर रहा हूं। और एक बात और है, फिर से कहूंगा कि आज हम सभी अधिकारी मिलकर आपके घर पे चक्कर मार रहे हैं, पंचायत सहायक, ग्राम प्रधान, डीलर, आशा और सचिव, आपका EDO पंचायत, हम जितने भी अधिकारीगण हैं आपके घर पर चक्कर मार रहे हैं सिर्फ आपको बेनिफिट देने के लिए, आयुष्मान कार्ड आपके बनाने के लिए। कल को ऐसा ना हो कि आपको हमारे पास चक्कर मारना पड़े, क्योंकि सरकार है, सरकार का पता नहीं, यदि उसने आपके राशन कार्ड ही रद्द कर दिए, जिनका आयुष्मान नहीं उनका राशन नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगा। हालांकि ऐसा हो या ना हो ये मैं कह नहीं सकता, बट यदि हो गया तो आपका क्या होगा। इसलिए विनम्र निवेदन है साथियों, जो लोग बाहर हैं वो भी और जो लोग गांव में हैं वो भी, कृपया करके अपना अपना राशन कार्ड चेक करवा लें, अपना अपना अंत्योदय पात्र गृहस्थी राशन कार्ड चेक करवा लें, या ऐसा पीएम लेटर है तो वो लेके चले आए पंचायत सहायक के पास में, पंचायत घर पर, और या फिर आपके पास अगर ऐसा कोई कार्ड है तो वो लेकर के चले आए। और जिनके पहले से बन रखे हैं आयुष्मान कार्ड, वो नहीं है, जिनके पहले से आयुष्मान कार्ड बन गए हैं, तो धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो तो गांव के निवासियों से मेरा विनम्र निवेदन है, और खास करके मेरे मधुमुनी निवासियों से, कृपया करके आप आइए और हम भी आपके पास आ रहे हैं, हमें फोन करके बुला लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप चल नहीं पाएंगे, तो आप हमें फोन करके बुला लीजिए, हम आपके पास आ जाएंगे। हालांकि हम घर घर जा रहे हैं आपके आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।